हाय दोस्तों, कैसे हैं? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था कि हम लोग टर्माइट पे कुछ नए वीडियोस लेकर के आएंगे, तो आज हम दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं वो सीरीज जिसमें हम टर्माइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये टर्माइट्स हैं और टर्माइट्स जो है आपको हर जगह दीवार में या फिर लकड़ी पे या फिर मिट्टी के अंदर गोबर में, गोबर मिट्टी और वुड लकड़ियां जो हैं वो दीमक के लिए सबसे उपयुक्त जगह हैं जहां ये पाई जाती है। बेसिकली जो दीमक होती है वो जमीन के अंदर गहराई में पाई जाती है, ये मधुमक्खी की तरह कॉलोनीज बना करके रहती है, सोशल एक्टिविटीज की तरह करती है। जैसे आदमी कॉलोनियों में रहता है, वैसे ही ये भी अपना जो है इसके पूरा पूरा सब कुछ बटा होता है। श्रमिक होते हैं और रानी मक्खी होती है जो जिसका काम केवल अंडे देना होता है, वैसे ही दीमक में भी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मधुमक्खी में होता है वैसे ही इनके भी परिवार की संरचनाएं होती है। टर्माइट जो है बहुत ही खतरनाक जीव है, आसानी से मरता भी नहीं है, और जो चीज आप देख सकते हैं छू सकते हैं समझ लीजिए कि दीमक उसको खा सकता है। टर्माइट जो है इवन कांच को भी डाइजेस्ट कर सकती है, तो आप समझ लीजिए कि कितना डेंजरस है ये, जब अटैक करेगा तो कितना भयानक विनाश करेगा। ये आप देख सकते हैं, पिक्चरें हैं, ये दीवार में इसने पक्की ईंटों को भी खा गया है, सीमेंट को भी ये खा जाता है। टर्माइट का जो ट्रीटमेंट है वो दो टाइम पे होता है, या तो मकान बनाने के पहले या मकान बनाने के बाद। यदि हम जहां पे मकान बना रहे हैं वहां पे जो है उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता करें तो हमें पता लग जाएगा कि वहां पहले से ही दीमक है या नहीं है, आसपास के मकानों में है तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके प्लॉट में भी। मैं तो यही कहूंगा कि मकान जो है वो लॉन्ग टाइम एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप दीमक का ट्रीटमेंट करा करके ही उसको आगे बढ़े। दीमक का ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स होते हैं, पीसीओ होते हैं, उनके पास लाइसेंस होते हैं और उनके पास पूरे इक्विपमेंट होते हैं जिस तरीके से वो करते हैं, तो दीमक का ट्रीटमेंट जो है आपको कराना चाहिए। और यदि आप कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं तो कंस्ट्रक्शन के बाद में भी आप एज ए प्रिकॉशनरी जो है वो ट्रीटमेंट हर 3 से 4 साल में एक बार कराते रहें, और यदि दीमक है तो एनुअली उसको जो है ट्रीटमेंट कराने के बाद चेक कराते रहें। इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। ये नींव खोदी गई है, ये प्री कंस्ट्रक्शन का फोटोग्राफ्स है, और इस तरीके से जब जो है वो नीचे प्लिंथ के बीम डाले जाते हैं उसी समय जो है वो ट्रीटमेंट भी होता है। आप देख सकते हैं ये पेड़ को इसने जो है दीमक ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये वो रानी है जिसको अंडे देने होते हैं, और आप मान लीजिए कि ये 3 लाख तक अंडे दे सकती है, ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। साधारणतः ये दिखाई नहीं देती है क्योंकि ये जमीन के अंदर में कॉलोनीज बना करके रहती है, तो बाहर नहीं आती, इसका काम सिर्फ अंडे देना है।
जितनी भी पेड़ पौधे होते हैं उनको ये खा सकती है और बहुत ही जो है वो विनाशकारी होती है, खड़ी की फसल को भी ये सुखा सकती है। तो ये तो हुआ दोस्तों जो है दीमक कैसे अटैक करती है और हमें उसको कैसे सुरक्षित करना। ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है आपको प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा। पहले से ही आप जो है करके चल रहे हैं तो जमीन में ट्रीटमेंट अच्छा होता है, दवाई अच्छे से लगती है, चांसेस हैं कि लॉन्ग टाइम तक नहीं आएगी। लेकिन यदि कंस्ट्रक्शन हो चुका है और प्रिकॉशनरी आपने नहीं कराया है और डीमक आ गई है तो फिर उसको ड्रिल मशीन से छेद करके दवाई जो है डाली जाती है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको जो है शॉर्ट में ही करेंगे और अगले वीडियो में जो है हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से केमिकल्स और किस तरीके से जो है उसको दवाई को पेनिट्रेट करें कि ट्रीटमेंट अच्छा हो। और आप लोगों के मुझे जो है सजेशंस आप मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि कौन बंदा किस तरीके से किस किस टेक्निक से जो है काम हो रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टेक्निक्स को जो है वीडियो में कवर करने की कोशिश करें। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट दे करके मुझे जो है वो प्रोत्साहित करें और बताएं कि भाई जो है ये टेक्निक सभी आप लोग फॉलो करते हैं ताकि उनको वीडियो में कवर किया जा सके। इसी के साथ आपका धन्यवाद।